एवरी प्रॉब्लम एवरी प्रॉब्लम इज अ गिफ्ट विदाउट प्रॉब्लम वी वुड नॉट ग्रो टूडे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लेट है आंसर है डेकन फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है आंध्रा में गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क इज इन उत्तर काशी उत्तराखंड कैंप्टी फॉल गढ़वाल उत्तराखंड में है भोर घाट कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे से और मिजोरम में है दिस इज फावन पुई नेशनल पार्क आज के सवाल हैं मानस नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट द पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट मानस नेशनल पार्क व्हेन इट इज नून अलोंग 82 टू एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड अलॉन्ग वॉट डिग्री ऑफ लॉन्जीट्यूड इट विल बी 6:30 थर्टी ए एम सिक्स थर्टी ए ये लॉन्जीट्यूड्स होते हैं और हर लॉन्जिट्यूड में अगर हम ईस्ट और वेस्ट मूव करते हैं तो टाइम चेंज होता है सो यू हैव टू कैलकुलेट कि 6:30 थर्टी ए एम जहाँ पर हो रहा है अगर 12 बज रहे हैं एट्टी टू एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्जीट्यूड में तो जहाँ साढ़े छः बज रहे हैं उसका लॉन्जीट्यूड क्या होगा थिंक पहले टाइम निकालिए फिर उससे आप लॉन्जिट्यूड कैलकुलेट करिए ओके और कॉन्का गोवा इज द हाइएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन सीरीज विच रिवर आइलैंड बिकेम द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया रिवर डिपोजिट आइलैंड है मैनहेटन आइलैंड इज लोकेटेड ऑन द बैंक में है ये सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो कैबलरी है वेरी वेरी मतलब सावधान रहना फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम ओमिक्रॉन वेरियंट टॉर्पिड का मतलब होता है सुस्ती मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव है लेथार्जिक है प्रिकैरियर्स का मतलब होता है अनिश्चित नॉट सेफ स्ट्रोंग और स्टडी फोर्सी मतलब पूर्वानुमान लगाना बी अवेयर ऑफ बिफोर हैंड और प्रडिक्ट करना इमोल्यूमेंट का मतलब होता है वेतन सैलरी फी प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो ये आज के सवाल हैं फिफ्थ जनवरी 2022 मेंस आंसर राइटिंग अपसी इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यू जस्ट हैव टू गो टू अवर वेबसाइट द एड्रेस इज रजन इंडिया डॉट वन इस वेबसाइट में ये वीडियोस आपको मिलेंगे और क्वेश्चंस मिलेंगे नीचे डिस्कस इनेबल है ज्वाइन द डिस्कशन लॉग इन करिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एंड अपलोड योर आंसर्स हैंड रिटर्न सी कितने अच्छे से इतने सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स अपलोड किए हैं यू ऑल्सो डू दिस जब हम अपना वर्क शेयर करते हैं ना तो उससे इंटरेस्ट आता है इंटरेस्ट आएगा तो स्टडी आपकी स्ट्रीमलाइन होगी और कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज दी ओनली सीक्रेट ऑफ दिस एग्जामिनेशन ओके सो सबमिट पार्टिसिपेट राइट डाउन योर आंसर एंड सबमिट ओवर हियर अभी तक आपने सबमिट नहीं किया है सो ज्वाइन और दिस इज एब्सोल्युटली फ्री इफ यू कैन पे द फी स्कैन पे द फी स्कैन स्कैन दिस क्यू आर कोड और सो दिस इज फिफ्थ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रेफरेंस मटेरियल है द हिंदू फिफ्थ ऑफ जनवरी एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी सुप्रीम कोर्ट टू हेयर ई डब्ल्यू एस कोटा केस टूडे तो ये जो बात चल रही है ये बात चल रही है इकोनमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी जो है उसको रिजर्वेशन कोटा प्रोवाइड करना रिजर्वेशन कोटा जो प्रोवाइड करना है उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस बात पर पूरी बहस है सेंटर साइड्स अर्जेंसी बिकॉज जैसे कुछ ही दिन पहले हमने देखा नीट और पीजी की जो काउंसलिंग है इन लिम्बो मतलब वो बीच में अटक के रह गई है आगे नहीं बढ़ रही है नीट पीजी की काउंसलिंग क्यों क्योंकि ई कोटा पे क्लैरिटी नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट से सेंटर ने बोला कि आप अर्जेंटली इस मैटर को सुनो और डिसीजन दो कि ई कोटा में आगे क्या करना है तो थ्री जज स्पेशल बेंच है सुप्रीम कोर्ट का लेड बाय जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब शेड्यूल है, है वेंसडे को ये हियर करेगा केस को डिसीजन क्या लेना है कि ये जो आठ लाख रुपए का इनकम लिमिट लगाया है ई कैटेगरी के लिए एट लाख एनुअल इनकम लिमिट ये लिमिट कैसे एस्टेब्लिश हुई आठ लाख की लिमिट किस बेसिस पे क्राइटेरिया ये एस्टेब्लिश हुआ सेकेंड अभी तक जो रिजर्वेशन था उसमें कास्ट और सोशल पोजिशन ज़्यादा था और इकोनॉमिक फैक्टर कंसिडर नहीं था तो क्या इकोनॉमिक फैक्टर भी कंसिडर किया जाना चाहिए जब रिजर्वेशन के बेनिफिट्स देने तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए अब बिकॉज इस ईडब्ल्यू एस के के केस में डिले हो रहा है तो दैट इज वाई नीट पी जी की काउंसलिंग भी डिले हो रही है मेडिकल एडमिशन डिले हो रहा है सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने कहा अर्जेंटली इस मैटर को सुनने का रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सो दिस इज ओके सो so, अभी देखते हैं इसका डिसीजन आएगा इस टॉपिक को हम फिर से रीविजिट करेंगे देन स्टेट्स टोल टू शेयर इंटेल ऑन कॉमन ग्रिड ग्रिड क्या होता है कि सब आपस में कनेक्टेड है जैसे पावर ग्रिड होता है तो ऐसे ही जो इंटेल है इंटेल क्या होता है इंटेलिजेंस आपको पता है जो सिक्योरिटी होती है फौज होती है ये इतना फिल्मों जैसा डिशुम डिशुम नहीं रहता है यहाँ पे इतना ज़्यादा जो ग्लैमर दिखाते हैं ना एक्चुअली वैसा नहीं है जो वर्क होता है जे जै, जैसे इंटेल का स्पाई का या फिर मिलिट्री के ऑपरेशन होते हैं ये बड़े बड़े सिस्टमेटिकली और लो की अफेयर होता है तो इसमें जो ज़रूरत होती है वो इंटेल की होती है इंटेल इंटेलिजेंस मिलना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है इंटेलिजेंस अगर टाइम पे मिल गई खबर लग गई सिक्योरिटी फोर्सेस को तो मोस्ट ऑफ द जो ये अटैक्स होते हैं हम उसको थाट कर सकते हैं तो सबसे कॉमन चीज़ होता है वो होता है टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलना प्रॉब्लम क्या होती है जैसे आई है या फिर रॉ है रॉ ने कुछ बताया जैसे मुंबई अटैक में बताया यहाँ पॉसिबिलिटी हो रही है फिशरमैन वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी रॉ ने बताया आईबी ने बताया तो उसने बताया से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स ने स्टेट गवर्नमेंट को बताया फिर स्टेट की होम मिनिस्ट्री एक्टिवेट होगी अब जो स्टेट की जो पुलिस है वो स्टेट के अंदर आती है बिकॉज दिस इज स्टेट सब्जेक्ट फिर पुलिस वहाँ पे एक्शन करेगी फिर बिकॉज ये कोस्टल हो गया तो यहाँ पे कोस्टल गार्ड आ जाएगा कोस्टल गार्ड के बाहर का जो रीजन होता है वो नेवी गार्ड करती है तो द पॉइंट इज इतने सारे जब डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं तो क्विक शेयरिंग ऑफ इंटेल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और इंटेल अगर मिलने के बाद भी शेयर प्रॉपरली नहीं होती है तो फिर हम बैकफुट पे आ जाते हैं और हम सच टाइप ऑफ अटैक को डिफेंड नहीं कर पाते सो द आइडिया इज ए कॉमन ग्रिड होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे टाइमली डिफरेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बीच में कोलाबरेशन हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर तो इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट बोल रही है इंटेलिजेंस इनपुट हो मल्टी एजेंसी सेंटर मतलब एक कमांड सेंटर हो रियल टाइम पे सारी सारी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन भी हो सो so दैट हम काउंटर टेररिज्म इफ़ेक्टिवली कर पाए तो ये बन रहा है मल्टी एजेंसी सेंटर कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड होगा ये वर्क करेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर तो ये 2001 में ऑपरेशनलाइज किया था कारगिल वॉर में भी बट अब टाइम है रिवैम करने का ज़्यादा इंटेलिजेंस यहाँ पे शेयरिंग हो और एक और प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है कि सेंट्रल एजेंसी कई बार राज्य स्तर की एजेंसीज के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती तो उससे क्या होता है फ्रिक्शन आ जाता है और जो ऑपरेशंस करने होते हैं उसमें कई बार कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाते हैं तो जैसे इंडिया में अट्ठाईस ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है हमारी आर्म्ड फोर्सेज है स्टेट पुलिस है ये सब ट्वेंटी एट ऑर्गेनाइजेशन दिस एम ए सी मल्टी एजेंसी सेंटर का पार्ट होगी इंटेलिजेंस शेयरिंग तो गवर्नमेंट इस पर अभी है स्टेट्स अभी थोड़ा कम रिलेक्टेंट हो रहे हैं बिकॉज क्या होता है स्टेट्स को लगता है कि वो अपनी ऑटोनॉमी लूज़ कर रहे हैं स्टेट जो है पुलिसिंग जो है वो राज्य स्तर का सब्जेक्ट है तो स्टेट पुलिस को ऐसा लगता है कि जैसे सीबीआई आ गई या सेंट्रल एजेंसी आ गई तो इनका जो मैंडेट है वो इनसे दिस सेंटर टेक ओवर कर लेगा तो एट टाइम्स यहाँ पर भी डिसकम्फर्ट होता है और एट टाइम्स यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है तो देर आर सेवरल गैप्स इन शेयरिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमिंग सही टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलना और उसको क्विकली एग्जीक्यूट करना दिस इज द सीक्रेट ओके तो द आइडिया इज यहाँ पे ज्यादा कोलेबोरेशन करना है कॉमन ग्रिड यहाँ पर है ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर हो इंटेल का दिस कॉमन ग्रिड पे सो दिस इज टेकिंग स्टॉक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैन हेल्थ ऑफिशल्स वर्ड एंड सेल्फ टेस्ट किट्स फ्लाई ऑफ शेल्फ तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स होते हैं एक्चुअली इससे कोविड का जो टेस्ट करना है वो होम बेस पर भी किया जा सकता है बट द पॉइंट इज़ इससे क्या हो रहा है बहुत सारे लोग ये किट्स ख़रीद लेते हैं खुद ही टेस्ट कर लेते हैं फिर जो डेटा आता है वो कई बार एक्यूरेट भी नहीं होता प्लस अगर वो आइडेंटिफाई नहीं होता कि उसको कोविड है या नहीं है तो वो बहुत सारे दूसरे लोगों पर भी इन्फेक्शन फैला देता है तो ये एक चैलेंज बना हुआ है कि जो पॉजिटिव हुए हैं कोविड से उनको ट्रैक कैसे किया जाए देन दिस दिस इज थिंग वैली ऑफ स्नो तो ये कोल्ड स्नैप है श्रीनगर वेरी ब्यूटीफुल समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसीविंग द फर्स्ट स्नो फॉल ऑफ द सीजन ऑन ट्यूजडे स्नो फॉल ने डिसरप्ट किया एयर ट्रैफिक भी कश्मीर वैली में कश्मीर वैली किन दो माउंटेन्स के बीच में है आंसर कश्मीर क्योंकि वैली है वैली मतलब बिटवीन टू माउंटेन्स तो विच टू माउंटेन्स देन इसके बाद है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आ गया है तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पे अभी थोड़ा बारिश हुआ है तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज क्या होते हैं ये एक काइंड ऑफ साइक्लॉन्स बोल सकते हैं एटमोसफेयरिक डिस्टर्बेंसेज क्लाइमेटिक फिनोमिन साइक्लॉन्स हमने दो टाइप के पढ़े थे एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे बे ऑफ बंगाल में हमने पढ़े अरेबियन सी में आते हैं अम्फन वगैरह आते हैं तो ये लो प्रेशर सिस्टम ऐसे बनता है वर्ल्ड होता है और इस तरीके से वो यहाँ पे हिट करता है कोस्टल लैंड land को लैंडफॉल होता है एक और जो टाइप होता है वो होता है दिस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो ये यूजुअली से जनरेट हो रहे हैं फ्रॉम दिस मेडिटेरेनियन और ये जो मेडिटेरेनियन से टूवर्ड दिस डायरेक्शन ट्रेवल करते हैं यहाँ पे इधर बैरियर भी आ जाता है तिब्बत भी आ जाता है हिमालयाज भी आ गए तो जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है बिकॉज यहाँ पे बैरियर भी आ गया तो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में फिर यहाँ पे रेनफॉल होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती हैं तो इस पूरे कंप्लीट फिनोमिन को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज कहा जाता है ओके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो ये एक वेदर सिस्टम है जो यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में विंटर्स के टाइम पर बारिश होती है बाकी जो कोरोमंडल में बारिश हुई थी वो अलग था वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून था सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में जो बारिश हो रही है ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज सी यहाँ से ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज बना वो यहाँ पे ट्रैवल करता है इसमें जेट स्ट्रीम्स का भी कॉन्सेप्ट आता है फिर यहाँ पे बैरियर भी आता है फिर सी सी ये बैरियर आ गया और यहाँ पर आके बारिश होती है नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में तो हमारा जो पहला सवाल है आज का वो है प्रिपेयर अ नोट ऑन द जोग्राफी जोग्रॉफी बिहाइंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन नीम्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो आप इसकी जोग्राफी बताओ ये कैसे बनता है इसके फीचर्स क्या है क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती है कहाँ ओरिजिनेट होता है डायग्राम बनाओ ये सारी चीज़ें लिखो आप इसका विकी पेज भी खोल के देखोगे तो उसमें बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम इंटरनेट एज में रह रहे हैं इन्फॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है कंटेंट का कोई कमी नहीं है कमी है तो उस कंटेंट को कंसोलिडेट करके आंसर राइटिंग एक नोट प्रिपेयर करना सो दैट इज़ वाई हम ये नोट प्रिपेयर करते हैं कि ये सब चीज़ें कंसोलिडेट हो जाए प्लस हम वही टॉपिक्स पिक करते हैं जिससे हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और वो बहुत हाई एल्डिंग हो सो दिस इज़ वेरी हाई एल्डिंग प्रिलिम्स में भी लगातार सवाल आए हैं में भी लगातार सवाल आए हैं जोग्राफी का एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ये तो बेसिक्स हुए अब इस पर इम्पैक्ट बताओ इम्पैक्ट क्या होता है इन पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया जैसे कि जो राबी की क्रॉप है उसमें क्या इम्पैक्ट होगा या फिर डे टू डे जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या इम्पैक्ट होगा ऐसे थिंक और भी क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इकोनमी में अभी ओमिक्रॉन का भी थ्रेड बना हुआ है डे टू डे लाइफ में क्या होगा एग्रीकल्चर एट्सट्रा डिफरेंट एस्पेक्ट्स थिंक तो दिस इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और इसमें भी क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या है लाइक दैट थिंक थिंक ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना इसका कुछ राइट right, रॉन्ग नहीं होता है जो एक सेट पैटर्न हम सोचते हैं कि कोचिंग में बोला है ऐसा पढ़ना है बस ऐसे ही लिखना है ऐसा कुछ नहीं है रियल एग्जाम में आप देखना जो आपकी नेचुरल क्रिएटिविटी इंक्लिनेशन है ना वही आप लिखोगे बिकॉज़ वहाँ पे एक तो टाइम प्रेशर भी रहेगा एग्जाम का प्रेशर भी रहेगा सो so, ये इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आप एक्चुअल में जो हो ना वो आप वहाँ पे लिखोगे सो दैट इज़ वाई जो एक्चुअल में है ना उसी को हमें अच्छा बनाना है ये पढ़े पढ़ाए ना हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं यूजली सो दैट इज़ वाई राइट समथिंग एवरीडे नेचुरल जो अपना इंक्लिनेशन एबिलिटी है ना उसको राइज करना है स्टैंडर्ड ओके okay? दिल्ली कुड सी 50,000 थाउजेंड डेली केसेज दिस कोविड नाइन्टीन पीक आ रही है दिस इज लुकिंग डेंजरस हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी हाइएस्ट हो गई फोर्टीन डेज में अभी थोड़े दिन कोविड की बात नहीं करते हैं अननेसेसरी पैनिक भी होगा स्ट्रिक्ट मेजर्स नीडेड बस दो चीज याद रखना है एक तो वैक्सीनेशन नहीं लगाया तो वैक्सीनेशन लगाना है दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है और आप एन नाइन्टी फाइव मास्क यूज करो ये जो क्लोध का मास्क है ये इफेक्टिव नहीं होता है प्रॉपर मास्क यूज करो सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करो ये जो क्राउडिंग टाइप है ये बाद में भी हो सकता है सो जस्ट अवॉइड इट ओके स्ट्रिक्ट मेजर्स नीडेड स्नो ब्लैंकेट कश्मीर वैली फोर्टी टू फ्लाइट्स कैंसल हो गए हैं देन ट्राइबल्स और कोटा पंचायत इलेक्शन की यहाँ पर बात है सो दिस इज पेज नंबर थ्री ये नेक्स्ट पेज है यहाँ पे नीति आयोग लो रैंकिंग फॉर राजस्थान सिक्सटींथ पोजिशन आई थी राजस्थान की हेल्थ इंडेक्स रैंकिंग तो हेल्थ इंडेक्स रैंकिंग किसने निकाला नीति आयोग ने राजस्थान का सिक्सटीन रैंक है तो ये जो रिपोर्ट है वो है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया पे वर्ल्ड बैंक नीति आयोग यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया तो हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे पैरामीटर्स कलेक्ट किए राजस्थान का रैंकिंग इतना अच्छा नहीं आया सो दिस इज़ द प्राइमरी हेल्थ केयर अब रैंकिंग इज़ डिफरेंट थिंग जो हमें कॉमन फैक्टर्स देखने चाहिए वो ये होने चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाएं हम इम्यूनाइजेशन को बढ़ाएं, एंटी नटाल केयर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी रेट ये ये चीज़ों पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है ये सारे इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं ओके सो हेल्थ केयर पर स्पेशल एम्फेसिस देने की ज़रूरत है स्ट्रेंथन करें राइट टू हेल्थ जो है वो भी एक काइंड ऑफ राइट टू लाइफ के अंदर फंडामेंटल राइट right है देन दिस इज पेज नंबर फाइव और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डैम सेफ्टी एक्ट चैलेंज इन हाई कोर्ट एक्चुअली अभी एक नया एक्ट आया है कि जो डैम्स पुराने हो गए हैं कुछ दिन पहले नोट्स में देखा था नोट्स आई एम थिंकिंग पुराना पैटर्न ही फॉलो कर लेते हैं अदरवाइज सेपरेट नोट्स में बड़ा टाइम लग रहा है फीजिबल भी नहीं हो रहा है तो डेली के डेली जो कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस और नोट्स हैं ओल्ड पैटर्न गिव मी सम टाइम उसको उसको ही रिज्यूम करते हैं फॉर टाइम बीम ओके तो अब पुराने नोट्स में देखना उसमें डैम सेफ़्टी एक्ट है डैम सेफ्टी एक्ट में क्या था कि जो डैम्स वगैरह मेंटेनेंस वगैरह स्टेट का कुछ मैंडेट था सेंटर जो बोल रहा है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न में एक सेंट्रलाइज बॉडी भी बन सकती है और वो फिर इन सब का चेक करेगी क्योंकि डैम्स हमारे यहाँ हंड्रेड हंड्रेड ईयर्स ओल्ड हो गए उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी एक कंसर्न है तो स्टेट्स को ये लगता है कि इससे उनकी जो पावर है मैनेजमेंट की वो चली जाएगी स्पेशली तमिलनाडु को लगता है वेन इट कम्स टू मुला पेरिया डैम तो इस बात पर यहाँ पे चैलेंज की बात है लेट अस सी इसको आगे क्या डेवलपमेंट होता है देन इन एडिक्वेट रिस्पांस अगेन सेम चीज है ईडब्ल्यूएस जो कोटा है उसका आठ लाख का इनकम क्राइटेरिया कैसे आया इस बात को जस्टिफाई करो रीजनेबल थ्रेशोल्ड जो है वो कैसे आया कल परसों ही इसको हमने देखा था कि सी ओबीसी में भी क्रीमी लेयर होता है बट उसका जो 8 लाख का क्राइटेरिया है उसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स भी इंक्लूड होते नहीं थे बट ई में वो सब भी इंक्लूड है तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो एट लाख का क्राइटेरिया है ये ज्यादा रीजनेबल थ्रेश है टेन परसेंट रिजर्वेशन जॉब्स और एडमिशन देने के लिए वर्क में एंड एजुकेशन में तो सरकार ने यही कहा कि ये ज्यादा स्ट्रिंजेंट है ई का आठ लाख का कोटा इन कंपेरिजन टू ओ बी सी क्रीमी लेयर कोटा सो दिस इज जस्टिफाइड गवर्नमेंट इसको डिफेंड भी कर रही है देखते हैं अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है देन ऑन वेदर एट ऑल डिफरेंस इन परचेजिंग पावर अक्रॉस अर्बन रूरल पर कैपिटा इनकम जीडीपी अक्रॉस स्टेट ये कंसिडर हुए या नहीं हुए सी अगर एक पर्सन गांव में रह रहा है तो उसके लिए आठ लाख रुपए तो ठीक ठाक पैसा है बट वही पर्सन अगर मेट्रोपॉलिटन में रह रहा है तो फिर एक अलग कंडीशन आ जाएगी तो हमने ये क्यों नहीं नापा कि अर्बन रूरल का डिफरेंस क्या होगा बिकॉज परचेजिंग पावर पैरिटी तो डिफरेंट हो जाती है कैपिटा जीडीपी राज्यों में भी बहुत अंतर आ जाता है महाराष्ट्र मुंबई में आप रह रहे हो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे रिलेटिवली अगर किसी दूसरे स्टेट्स में रह रहे हो तो कम पैसे में काम हो जाएगा सो so, ये सारे फैक्टर्स भी तो चिप होने चाहिए जब अपन आठ लाख का क्राइटेरिया बना रहे हैं दिस इज़ अगेन अ वैलिड पॉइंट तो ये पूरा ही टॉपिक है अभी इस पर ज़्यादा अपन डिवेल नहीं करते हमें बस ये पता है हंड्रेड एंड है सी कोटा दो में इंट्रोड्यूस हुआ था इस पर अभी वैलिडिटी पे अभी, अभी चैलेंज हो रहा है कि ये एक्ट वैलिड है या नहीं है और चैलेंज इस बात पे हो रहा है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या हो सकता है रिजर्वेशन देने का सेकंड ये जो आठ लाख का क्राइटेरिया है ये नंबर कहाँ से आया इसको जस्टिफाई करो इन एडिकुएट रिस्पॉन्स ट्रांजिशन इन पेरिल अब ये सूडान में मिलिट्री कू एंड टेक ओवर वगैरह हो रहा है डेमोक्रेसी पेव द वे फॉर डेमोक्रेसी होना चाहिए मिलिट्री शुड एंड द क्रैकडाउन दिस इज देयर सूडान का हमें लोकेशन पता है बट अब बहुत डायरेक्टली इसके डेप्थ में इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट विद इन द स्कोप ऑफ अवर सिलेबस द हिंट ऑफ वन नेशन वन एन जी ओ रिजीम यहाँ भी जो प्राइमरली बात है वो यही है जो हमने प्रीवियस दो तीन दिनों में देखा वॉट आर एन जी ओज वॉट इज़ एफ सी आर ए ट्वेंटी टेन ट्वेंटी ट्वेंटी और वे फॉरवर्ड जो है वो ये है कि एन जी ओज आर इम्पॉर्टेंट एन जी ओ बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर का, का काम करते हैं फिलेंथ्रॉपिक काम करते हैं कल ही हमने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल देखा कि बहुत जगह गवर्नमेंट जो होती है ना जैसे डीएम एक जिले का बताया था उसने वहाँ के एनजीओ से हेल्प मांगा कि तुरंत हमें ये डिसीजन लेना है सर्टेन एनजीओ को उसमें एक्सपर्टीज था तो सरकारी काम में उस एन की हेल्प मांगी गई तो एन एक्चुअली एक फोर्स मल्टीप्लायर है गवर्नेंस में हेल्प करता है गवर्नमेंट की वैसे ही कम होती है रीच इतनी ज़्यादा है नहीं तो क्यों ना हम स्पेशलाइज्ड एन जी हैं जैसे एक स्पेशलाइज्ड है एजुकेशन में एक है से फसल एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज्ड एन है एक से प्राइमरी हेल्थ केयर में स्पेशलाइज्ड है एक विमेन एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स में है तो क्यों ना हम इनके स्पेशलाइजेशन का यूज़ करें टू इफेक्टिव गवर्नेंस डिलीवरी ये वे फॉरवर्ड होना चाहिए तो इसमें अब ये भी पॉइंट है कि कई बार जो एन की जो से रोल होता है कई बार इनकी जो फंडिंग एंड दिन फंडिंग के कारण अल्टीरियर मोटिव्स जो नज़र आए हैं जो कई बार एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उसमें रडार लगाना भी ज़रूरी है सो द आइडिया इज देर टू बी अ बैलेंस देर टू बी अ बैलेंस कि गवर्नेंस भी हो रूल्स रेगुलेशंस भी हो बट हम आउटराइटली डिमोनाइज नहीं करें एनजीओस को एनजीओस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यही बात है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में अगर इंडिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो गलत है बाकी जो गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं इशू ऑफ़ फंडिंग है इनके मोटिव्स हैं इस पर भी एक चेक रखना जरूरी है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज पैरामाउट सो देर टू बी अ बैलेंस बाकी हमने तीनों चीज़ें पढ़ लिया है एफ सी आर ए एन जी ओ एंड वे फॉरवर्ड दिस इज़ मोर देन सफिशेंट टू टेक नोट ऑन दिस टॉपिक एन जी ओ रिजीम अब एन हम इतना डिटेल में क्यों देखते हैं बिकॉज ये सिलेबस में क्लियरली ये सारी चीज़ें मेंशन है और कोविड का टाइम भी है तो इस टाइम पे एन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन द बॉटम लाइन इन ब्लिंकन्स फोरे इंटू साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया जो चाइना है चाइना का राइज़ हो रहा है साउथ एशियन कंट्रीज़ में चाइना का प्रोमिनेंस है इन्फ्लुएंस है प्राइमरली इसी को काउंटर करने के लिए जो यूएसए है वो इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है साउथ ईस्ट एशिया में तो जो ब्लिंकन हैं वो विज़िट कर रहे हैं कंटिन्यूसली डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज़ में एशियन कंट्रीज़ ऑब्वियसली ये टाइगर इकोनॉमीज भी थी इनका क्लोज़र टाइज़ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अब जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है जैसे चाइना में हमने साउथ चाइना सी भी देखा साउथ चाइना सी में अक्सर क्लैश हो जाते हैं चाइना और तीस कंट्रीज़ के स्पेशली फ़िलिपेंस सो इन सब चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में जो यूएसए का स्ट्रेटजी होता है कि जो वर्ल्ड है वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए वर्ल्ड में जो सीज़ है वो ओपन फ्री नेविगेशन होना चाहिए तो अनलॉफुल क्लेम्स जो होते हैं बुलिंग होता है बाय वन पर्टिकुलर कंट्री दूसरे कंट्री का वो चेक करना ज़रूरी है तो यूएसए की जो पॉलिसी है वो वेस्टर्न एशिया में सऊदी अफ़गान इधर तरफ तो विड्रॉवल की दिख रही है बट पैसिफिक से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है साउथ ईस्ट एशिया की तो यूएसए जो है यूएसए का भी ये पैसिफिक ओशन हो जाएगा दिस पैसिफिक कोस्ट दिस कैलिफोर्निया एंड ऑल और इधर हो जाता है दिस पैसिफिक में साउथ एशियन कंट्रीज भी आ जाती है जापान और एशियन और इधर चाइना यूएसए अपनी प्रेजेंस यहाँ पे कम नहीं करने वाला है इनफैक्ट वो उसको बोलस्टर करेगा दिस इज़ द मैसेज बिकॉज यूएसए क्लियरली बोल रहा है इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक ऑकस भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ है ऑकस जो है ना कल आपने आंसर राइटिंग में भी लिखा ऑकस लाइक नेगेटिव हो गया इंडिया के लिए एज सच हमारे लिए ना ये वैल्यू न्यूट्रल है हम देखते हैं ऑकस में जैसे यू जो ऑस्ट्रेलिया है उसको न्यूक्लियर सबमरीन मिलेगी लेट लेटे सी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ऑल दो जो फ्रांस है इसके साथ जो डील हो रही थी वो कैंसिल हुई है तो इनफैक्ट पॉसिबल है कि फ्रांस के साथ हमारे ज़्यादा और डिफेंस टाइज पॉसिबल हो सकते हैं बाकी इन जनरल ये सारी डेमोक्रेसीज है ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी है यूके डेमोक्रेसी है इधर यू एस एज डेमोक्रेसी सो द पॉइंट इज़ कि इसको वैल्यू न्यूट्रल देखें उस नज़रिए से ऑकस को तो इट्स बेटर लेट लेटे सी चाइना का जो प्रेजेंस है वो अलार्मिंग है और इसीलिए डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे यू एस ए फॉलो कर रहा है और एशियन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्थ केयर के लिए इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए वाशिंगटन अभी इंडो पैसिफिक में प्राइम फोकस रखने वाला है इन अपकमिंग टाइम वेस्टर्न एशिया का टाइम गया अब है इंडो पैसिफिक का देन दिस इज एलिजिबल डिनाइड बेनिफिट्स तो ये बात है जैसे रूतु भरोसा स्कीम हमने प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान स्कीम भी देखा था फार्मिंग जो होती है ना फार्मिंग में प्रॉफिट बड़ा मुश्किल हो जाता है क्यों होता है बिकॉज फसल का नुकसान भी बहुत होता है वेदर जो है क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है सो उसके कारण क्या होता है जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो नहीं है एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में और इस्पेशली जो फर्स्ट हैंड फार्मर होता है उसको बेनिफिट पहुँचाना बहुत ज़रूरी है सो सच टाइप ऑफ स्कीम्स होती है प्रॉब्लम क्या होती है प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हु इज़ द फार्मर फार्मर कौन है वो कोई बिजनेसमैन थर्ड पार्टी इंडस्ट्रीज़ है या फिर जो एक्चुअल में जो हम नेरेटिव में चलता है कि दिस इज़ फार्मर जिसको बहुत हेल्प की ज़रूरत है हु इज़ दैट एक्चुअल फार्मर और उस तक बेनिफिट्स कैसे हम पहुंचाएं तो दिस इज़ द थिंग अब इसके लिए जैसे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम भी होता है हमारा टेक्निकल ग्लिच आते हैं पेपर्स रेडी नहीं होते तो बेनिफिट्स उनको पहुंच नहीं पाते तो प्रॉब्लम केवल दो ही होती है आइडेंटिफाई करो कौन है फार्मर और उस फार्मर तक बेनिफिट्स पहुंचाओ और जो एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम है रेगुलर प्रॉब्लम है जैसे एफिशिएंसी नहीं है है ना कंट्रीब्यूशन कम है इसका एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है मॉडर्न प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है डाइवर्सिफ़िकेशन की ज़रूरत है ये जो पुराने सिस्टम्स चले आ रहे हैं उसमें जो लूप होल्स है इनफिशेंसी है उसको आयरन आउट करना ज़रूरी है ये फंडामेंटल रिफॉर्म्स हमें कंटिन्यू करने पड़ेंगे तब ही जाके एग्रीकल्चर एक सस्टेनेबल अट्रैक्टिव प्रपोजिशन भी बनेगा सो so दैट जो यंगर जनरेशन है वो भी मुड़े एग्रीकल्चर की तरफ और एज अ प्रोफेशन उसको चूज करे तो दिस इज दैर इसमें टेक्नोलॉजी सोसाइटी गवर्नेंस पीपल एन जी एवरीबॉडी सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होगा एग्रीकल्चर को फिर से दिस प्रॉफिटेबल एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अट्रैक्टिव प्रोफेशन बनाने का गुड न्यूज़ फ्रॉम दिस साउथ अफ्रीका केसेस कम हो रहे हैं ये अब जो है वो है त्रिकोणा माली श्रीलंका में ये बेसिकली ऑयल इसका टैंकर्स रिजर्व है यहाँ पर इंडिया बहुत टाइम से त्रिकोणा माली को अपडेट करने की कोशिश कर रहा था जो फाइनली अभी लग रहा है अस सी कैबिनेट ने तो क्लियर कर दिया है ऑयल टैंक का डील तो ये माइलस्टोन हो, होगा बहुत टाइम से त्रिकोणा माली में लॉन्ग स्टोल्ड कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था ऐसे करके जो होते हैं ना रिजर्व टैंकर्स वगैरह बनाते हैं बिकॉज ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है त्रिकोणा माली देन जो नेक्स्ट है वो है नॉर्थ ईस्ट शुड बी ग्रोथ ड्राइवर एब्सोलुटली ट्रू नॉर्थ ईस्ट पे हमने आंसर राइटिंग भी किया है पूरा मैप देखा है आपको जो भी पुराना कंटेंट चाहिए होगा ना तो आप वेबसाइट में जाओ वेबसाइट में यहाँ सर्च बटन है है ना तो सर्च बटन पे आप जैसे नॉर्थ ईस्ट आप यहां पे टाइप करो है नॉर्थ ईस्ट आपने टाइप किया तो सी इसमें अपडेट्स आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड इंटरनेट इज रनिंग स्लो ये जैसे आ गया सर्च रिजल्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट जैसे थर्टी फर्स्ट को हमने किया था प्रिपेयर ये तो नॉर्थ ईस्ट मानसून था जोग्राफी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे दस अक्टूबर को हमने ये आंसर राइटिंग किया था इक्कीस अग, अगस्त को भी हमने नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड किया था पॉइंट इज इस तरीके से ना पुराना कंटेंट भी देख सकते हो कि यहाँ पे कौन से उससे रिलेटेड मैटर है ओके okay. देन ये बात है बेस्ट बेट पॉलिटिकल मैनी स्टेट्स अनाउंस मोर कब्ज अमिट सर्ज कोविड बढ़ रहा है आज का पेपर में सब कोविड रिलेटेड ही न्यूज है मोलनू पेरावेर ये एक ड्रग है पैंतीस रुपए का एक कैप्सूल मिलेगा दिस इज गुड बट इसमें भी कितना एफिकेसी वगैरह है और ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लेना है ऐसे ही जस्ट लाइक दैट नहीं लेना है एंटी वायरल ड्रग है ये आई सी एम आर ने अप्रूव किया इंडिजिनस किट टू तो डिटेक्ट ओमिक्रॉन क्रूज शिप में डिटेक्ट हुए सोल्जर सेलिब्रेट न्यू ईयर विद ट्राई कलर ऑफ गलवान वैली ये है हमारा प्यारा तिरंगा इंडियन आर्मी ट्रूप्स गैदर्ड एट गलवान वैली ऑन जनवरी फर्स्ट सो दिस इज दैट चाइना प्रोपोगेंडा करता है उस प्रोपोगेंडा को दिस उनके जो जो फ्लो वो मिथ्स जो वो स्प्रेड करते हैं ऑनलाइन वॉरफेयर करते हैं उसको काउंटर करना ज़रूरी है सो दिस इज देयर हाई ऑन द हिल्स देन मिस्टर शी साइंस कॉम्बैट ट्रेनिंग ऑर्डर फॉर पी एल ए इसका हमने पढ़ा था ना जो शी डॉक्टराइन है वो है मिलिट्री पावर बनना सुपर पावर इससे पहले जो डेंग जियोपिंग पावर जो थी डॉक्टराइन वो थी इकोनॉमिक सुपर पावर बनना मिस्टर शी जो है ये मिलिट्री सुपर माइट चाइना अभी डिज़ायर कर रहा है सो दैट इज वाई ये इतना एग्रेसिव पॉस्टर यहाँ पे हो रहा है तो ये ट्रेनिंग वगैरह है चाइना का प्रोपोगेंडा मशीन चाइना टू मॉडर्नाइज न्यूक्लियर आरसन एल अब सी न्यूक्लियर आरसन एल भी मॉडर्नाइज करने की बात है बीजिंग डिफेंस इट्स एटोमिक वेपन पॉलिसी देन ऑमिक्रॉन का स्प्रेड है तो जी डी पी का क्वार्टर फोर डेटा ट्वेंटी थर्टी बीपीएस पॉइंट कम होगा इकोनमी में अभी नंबर्स के पीछे नहीं जाना है अभी भी बहुत वॉलेटिलिटी है ये चीज़ें चेंज चीज़ हो जाएगी तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी जस्ट ट्रेंड्स देखना है कि इकोनॉमी के इंडिकेटर्स क्या होते हैं डायरेक्शन क्या है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है माइक्रो इकोनॉमी इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है लाइक दैट सो दिस इज स्प्रेड अभी अनसर्टेनिटी है गोल्ड का इम्पोर्ट हमारा इतना था इंडिया लव्स गोल्ड तो हमने इतना टन एच गोल्ड का दिस बाय किया अब ये भी एक प्रॉब्लम है गोल्ड पर गोल्ड खरीदने से क्या होता है कि हमारा जो करंट डेफिसिट है ये इम्पैक्ट होता है बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग इम्पोर्टिंग गोल्ड तो दैट इज वाई सरकार बोलती है कि क्यों ना पेपर गोल्ड को एनकरेज किया जाए मतलब होगा वो गोल्ड से रिलेटेड लिंक्ड होगा बट एक्चुअली में वो गोल्ड नहीं होगा वो पेपर बैग एक सोवर एंड बॉन्ड्स टाइप होगा दीज आर कॉल्ड दिस पेपर गोल्ड ऑनलाइन आई एम पी एस सब आप पांच लाख तक कर सकते हो एप्सोलूटली फ्री रहेगा आई एम पी एस सरकार डिजिटल पुष्प को बढ़ा रही है कॉटन का प्राइस बढ़ रहा है वेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन प्राइसिंग कॉटन जो है ये किस सॉइल पे ज़्यादा होता है कॉटन जो है ये किन स्टेट्स में ज़्यादा पाया जाता है कॉटन कॉटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन कम हुआ है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी वरिड है आई आई ने नॉर्म्स किया फॉर श्योरिटी कवर देन दिस इज़ एयरटेल स्टार लिंक मतलब सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात थी तो अभी जो कुछ है प्री ऑर्डर उसको रिफंड वगैरह की बात है लेटेस्ट ये अभी भी आएगा स्टार लिंक इंडिया में फॉक्सकॉन का प्लांट अभी रीओपन होगा जनवरी सेवन रीजन क्या है यहाँ पे कुछ फूड रिलेटेड इरेगुलरिटी थी ह्यूमन राइट्स तो बंद हो गया था एप्पल थ्री ट्रिलियन की कंपनी बन गई है देन दिस इज इंडिया लॉर्ड शार्दुल मैदेव जरेव इम्प्रेस हाउसिंग सेल्स बढ़ी है इंडस्ट्रीज really बढ़ ओमिक्रॉन का क्या इम्पैक्ट होता है Then, अब ये जो डील है ना इसका बस बेसिक्स पता होना चाहिए हमें एंट्रिक्स और देवास मल्टी मीडिया डील क्या है तो एक्चुअली क्या है एंट्रिक्स क्या है हमारा कल ही आपने आंसर राइटिंग किया रूप पर तो एंट्रिक्स एक कमर्शियल आम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की आई का कमर्शियल ब्रांच है ये जो ब्रांच है वो प्रोवाइड करती है मल्टी मीडिया मोबाइल यूजर्स को अपने जो लीज़ पे लिया है एस बैंड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम से तो ये मल्टी मीडिया सर्विसज़ एस बैंड सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराना था ये डील था एंट्रिक्स का ये डील था ये जो डील था वो बाद में कैंसिल हो गया कैंसिल क्यों हो गया बिकॉज एस बैंड सेटेलाइट का जो यूज था गवर्नमेंट ने बोला कि ये हम लीज पे नहीं देंगे आगे किसी से शेयर नहीं करेंगे बिकॉज ये हमें नेशनल सिक्योरिटी या अदर स्पेशल परपजेस सोशल परपजेज के लिए चाहिए तो ये डील हो गया था इस डील को कैंसिल कर दिया तो एब्रप्ट एनलमेंट जो हुआ इसके कारण जो मल्टी है देवास मल्टी उसने केस फाइल कर दिया एंट्रिक्स पे कि आपने कैसे अचानक से डील कैंसिल कर दी और बस उसी बात पे ये पूरा मुद्दा है तो अब क्या होता है कि जैसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता है तो फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे कनाडा हुआ तो वो क्या करने का करते हैं कि इंडियन कंपनी के जो एसेट्स हैं उसको सीज कर लो बट फिर वो अलग लीगल चैलेंजेस हो जाएंगे बिकॉज़ वो इंडियन गवर्नमेंट के एसेट्स हैं लाइक दैट तो इसी बात पर ये पूरा मुद्दा चल रहा है हमें बस ये जानना है एसबेंड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है एंट्रेक्स का आई एस आर ओ का कमर्शियल फर्म है आई एस आर ओ का भी कमर्शलाइजेशन मोनिटाइजेशन ज़रूरी है आई एस आर ओ से ताकि स्पेस के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी हम एनकरेज करें एकोसस्टम डेवलप करें तो दिस इज़ देवास मल्टी मीडिया इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बायोलेट्रल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक्चुअली क्या हो होता है इन्वेस्टमेंट होता है ना एक कंट्री दूसरे कंट्री पर कर रही है तो वो कवर्ड होता है बायोलेट्रल ट्रीटीज तो अगर देवास बोल रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे इतने पैसे लगाए आपने ऑल ऑफ अ सडन कैंसिल कर दिया और लॉसेज हुए तो इस तरीके से इंडियन पे यहाँ पे कंपनी पे केस यहाँ पे फाइल हुआ तो कनाडा की एक कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इंडियन जो एसेट्स हैं उसको सीज कर दिया जाए तो उस बात पे इंडिया अब ऑब्जेक्शन उठा रहा है लेट लेटेस्ट वेट अब इसमें क्या होता है व्हाट वी शुड बी नोइंग इज एंट्रिक्स क्या है और देवास मल्टीमीडिया क्या है अ नूड टू रिकोगनाइज द वैल्यू ऑफ हाउस वर्क दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक्चुअली फ्राम द आर्काइव है ये आर्टिकल हमने पहले भी पढ़ा है आई रिमेंबर हमारे यहाँ क्या होता है हाउस होल्ड में हाउस होल्ड में जैसे आप देखते हो मदर्स विमेन जो काम कर रही हैं ये जो वर्क है ये जो वर्क है घर पर भी कितना काम होता है बट ये जो वर्क है वो जी डी पी में काउंट नहीं होता दिस इज़ द प्रॉब्लम ये जो वर्क है इसको मतलब लाइक like घर का काम है नाम के माना जाता है इकोनॉमिक जो है ना उसमें काउंट नहीं होता तो इस बात पे सवाल उठता है डिमांड होती है कि इसको भी कंसिडर करना चाहिए बिकॉज घर पे भी इतना काम होता है वो भी तो वर्क ही है सेकेंड वेव में विमेन जो मूवमेंट हुआ कैंपेनर्स ने बोला जैसे हाउस वर्क हुआ चाइल्ड केयर हुआ तो इसको इसको क्यों ना एक फॉर्मलाइजेशन किया जाए फॉर्मलाइजेशन वर्क में इंक्लूड किया जाए तो अब इसमें डिसअग्रीमेंट भी थे कि अगर पेमेंट जैसे वेज का मिलेगा घर का डोमेस्टिक वर्क का तो वो फिर कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा ये भी एक आर्ग्यूमेंट था कि दिस इज़ एक्चुअली अ प्राइवेट रियालम इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए कि घर के अंदर वो क्या काम कर रहे हैं लाइक दैट तो गोल ऑफ वूमेन मूवमेंट ये भी है कि ये जो वर्क है एटलीस्ट इसको रिकोगशन मिले और ये जो वर्क है उसको भी प्रॉपर कंसिडर किया जाए एज अ रेगुलर जॉब क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे वमेन है वो अगर हाउस होल्ड डोमेस्टिक वर्क कर रहा है तो ये इंप्रेशन बन जाता है कि वेमेन इज डूइंग नथिंग जबकि ऐसा नहीं है दे आर डूइंग पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट ये लाइक ट्वेंटी फोर सेवन का जॉब हो जाता है ये तो उस जॉब को भी दिस ऑर्गेनाइज वे में फॉर्मलाइज करने की डिमांड यहाँ पे होती है बिकॉज हाउस वर्क इज सिग्निफिकेंट तो ऑनगोइंग स्ट्रगल है क्या लेजिस्लेशन लाए डोमेस्टिक वर्कर्स में विमेन्स जो यहाँ पे काम कर रही है उसको भी रेगुलेटेड वेजेस गारंटीड इस बात पे अभी डिबेट चल रहा है कि जीडीपी में क्यों उसे इंक्लूड नहीं किया जाए अब इसमें थोड़ा पॉलिटिसाइजेशन करने का भी बात होता है बट इन जनरल जो टोन है वे फॉरवर्ड है वो ये होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक वर्क है उसको भी काइंड ऑफ रिकोगशन मिलना चाहिए देन दिस इज़ देय और ये बाकी नेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन है ये भी ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि इनका भी जो वर्क है वो रेगुलराइज हो रेगुलराइज हो जैसे घर पे अगर कोई काम कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कर रहा है एज एन एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो उधर भी रिकग्नीशन होना चाहिए दिस इज़ बैलेंसिंग एक्ट अब यहाँ पे एक्चुअली एक बायोग्राफीज़ है एक लिस्ट ऑफ कुछ बुक्स भी आ रहे हैं सेंट्रल विस्टा में जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका मेंशन भी है द पॉइंट इज़ अगर हमें मॉडर्न इंडिया पढ़ना है तो मॉडर्न इंडिया पढ़ने का सबसे अच्छा जो स्ट्रैटेजी है ना 1947 पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए ना आप उनका वर्क एक बार देख लो ये वर्क देख लो कि अपने आप आपका पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 ऑनवर्ड तैयार हो जाएगा प्रधानमंत्री जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी फिर गुलजारी लाल नंदा जी एक्टिंग बने फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए फिर गुलजारी लाल नंदा जी एक्टिंग बने फिर इंदिरा गांधी जी आई फिर मोरारजी देसाई आए जी देसाई साहब आए सेवेंटी नाइन में फिर चरण सिंह जी आए फिर अगेन इंदिरा गांधी जी फिर राजीव गांधी जी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चंद्रशेखर जी पीवी वी नरसिम्हा राव जी 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए ये पोखरण में टेस्ट हुए 1999 कारगिल वॉर फिर बीच में देवेगौड़ा साहब आए फिर इंदर कुमार गुजराल जी आए गुजराल डॉक्ट्राइन आप बताओ वॉट इज गुजराल डॉक्ट्राइन फिर वापस वाजपेयी साहब आए फिर मनमोहन सिंह जी आए फिर अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी सो so, ये सारे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया अब आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो बड़ा आसान क्वेश्चन है प्रिपेयर अ नोट ऑन द रोल एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसका क्या मैंडेट होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या होता है फर्स्ट अमंग इक्वल होते हैं वो कैबिनेट को लीड करते हैं तो दिस इज प्राइम मिनिस्टर इससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है जैसे प्राइम मिनिस्टर ब्रिज होते हैं प्रेसिडेंट का और कॉम का कॉम को लीड कर रहे हैं तो हमें इसमें पहले तो पॉलिटी लिखना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या होती है पोर्टफोलियो क्या होते हैं लाइक दैट अलॉटमेंट वगैरह सो दिस इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पोस्ट पोस्ट पॉलिटी लिखना है यहाँ पे इसके बाद साइमल्टेनियसली आप एक लिस्ट भी तैयार कर लो ये बड़ा हाई एल्डिंग रहेगा आने वाले सारे टाइम पे कि जितने भी इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं ये सारे इनके नाम लिखना है और इनसे रिलेटेड इनके टेन्योर में जो दो तीन सिग्निफिकेंट वर्क हुआ है वो बस आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकली जस्ट डू दिस आपका एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है ना पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इसके सवाल बड़े अच्छे से आप एड्रेस कर लोगे वो कंप्लीट हो जाएगा सो दीज आर क्वेश्चन एंड दिस इज द हिंदू बाकी जो आज का क्विज है वो है कैट फैमिली पे तो ट्राई

ये ज़रूरी था सेंश्योर करना जरूरी है और ये जब फ्रॉम द टॉप आ रहा है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंश्योर किया हेट स्पीच को ब्रेक्स अ लाउड साइलेंस सो दिस इज एक्सलेंट ये सबका कलेक्टिव ड्यूटी है सच टाइप ऑफ डिविज़िव इन चीज़ों को एनकरेज नहीं करें देन दिस इज टर्निंग टू द कोर्ट कोर्ट ने भी यही कहा कॉग्निसांस लिया हेट स्पीच ब्लेटेंट इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल

दैन वर्क फ्राम होम वाले भी बड़े खुश हो रहे हैं दैन दिस इज़ इंडियन औरिजिन वमेन और यहाँ पर ट्रैक साउथ टू साउथ पोल दैन इज़राइल फ्रेजाइल गवर्नमेंट ई डब्ल्यू एस का कोटा अभी एक नया वेरियंट आ गया आई एच यू वेरियंट ज़्यादा अभी कुछ इस पर इन्वेस्ट नहीं करना है टाइम लेटेस्ट सी क्योंकि ये सब शेल्फ लाइफ होगा नहीं कल चेंज हो जाएगा जब ये प्रोमनेंट हो जाएगा वेल विद इन न्यूज़ तब हम इस पर बात करेंगे सिलिकॉन वैली कल्चर जो है दिस इज़ हीरो मोटोकॉप बूस्टर शॉट जरूरी है इंफ्रा में ट्रांजेक्शन डिजिटल अडोपशन बढ़ा है रुपी फॉल हुआ थर्टी पैसा ये सारे बैंक हैं एस बी आई आई सी आई सी आई एच डी एफ सी ये टू बिग टू फेल लिस्ट में है टू बिग टू फेल तो ये सिस्टेमेटिकली वेरी डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक बोलते हैं नाम याद रखना है डी एस आई बी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली बैंक तो ये सारे हैं स्टेट ओन एस है प्राइवेट में आईसीआईसीआई, सी एच डी और दिस तीन ये हैं टू बिग टू फेल टू बिग टू फेल बैंक एस बी आई आई सी आई सी आई एंड एच डी एफ सी तो उनको डी एस आई बी में आइडेंटिफाई किया है देन दिस इज आई एल एंड एफ एस स्टार लिंक टू रिफंड प्री ऑर्डर एंड दिस इज ब्लैक का बिजनेस ओवर हो रहा है सो दिस इज फिफ्थ ऑफ जनवरी ये दो सवाल हैं सबमिट दीज आंसर्स ऑन द वेबसाइट So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.